जलाराम कॉटन एंड प्रोटीन्स राजकोट के प्रबंध निदेशक आनंद पोपट से कमोडिटीज़ कंट्रोल ने कॉटन को लेकर के बातचीत की। आनंद जी, आपका स्वागत है इस इंटरव्यू में। आपसे पहला प्रश्न यह है कि गुजरात में कॉटन की स्थिति इस साल क्या रहेगी, खासकर बारिश के बाद यहाँ फसल की सिचुएशन कैसी है? गुजरात में इस साल अच्छी बारिश के कारण बहुत अच्छे क्रॉप की संभावना थी। कपास का सोइंग जो है वो भी काफ़ी बड़ा था। हमारे अंदाज से अगर ये पिछला बारिश में कुछ नुकसान नहीं होता तो 1,35,00,000 रनिंग बेल्स जितना गुजरात में प्रेसिंग होने की संभावना थी, परंतु बारिश के कारण नुकसान होने के कारण कम से कम 15-20,00,000 गठान का नुकसान हुआ है। अभी हमको ये संभावना लगती है कि 1,15,00,000 से 1,20,00,000 के गठान के बीच में गुजरात की प्रेसिंग होगी। इस साल देश से कॉटन के एक्सपोर्ट और यार्न के एक्सपोर्ट की स्थिति कैसी रह सकती है? क्या आपको लगता है कि मौजूदा पॉलिसी में गवर्नमेंट को कोई चेंज करना चाहिए या बनी रहनी चाहिए पॉलिसी? नए सीजन के अंदर अमेरिका के अंदर भारतीय माप के अनुसार करीबन 55,00,000 गठान जितना क्रॉप कम होने वाला है और चाइना के अंदर करीबन 25-30,00,000 गठान का क्रॉप कम होने वाला है। पाकिस्तान की जो खुद की रिक्वायरमेंट है उसमें उसको 25,00,000 गठान का इंपोर्ट करना जरूरी है। तो ये सब देशों की जो डिमांड है वो भारत पर ही केंद्रित होंगी और भारत का एक्सपोर्ट करीबन 1,00,00,000 गठान के आसपास होगा, ऐसा मेरी धारणा है। गवर्नमेंट की अभी जो पॉलिसी है उसमें कोई चेंज नहीं करना और कुछ चेंज नहीं होगा उसकी गारंटी ट्रेड के लिए एक नया विश्वास इंटरनेशनल ट्रेड में भारतीय जो सप्लायर्स है, शिपर्स है, उसके पर एक नया विश्वास खड़ा करती है। गवर्नमेंट को अलाउंस करना चाहिए कि इस सीजन में कॉटन की एक्सपोर्ट पॉलिसी में कुछ फेरफार होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, ये अभी से उसको तय करके डिक्लेयर करना जरूरी है। इस साल कॉटन में तेजी मंदी की क्या संभावना या प्राइस मूवमेंट किस तरह देखने को मिल सकते हैं नए सीजन में? अपना पूरे इंडिया का 3,80,00,000 के आसपास का स्टॉक उत्पादन होगा, ऐसी धारणा है। ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल कम था। भारतीय स्पिनर्स की जो खुद की कंजम्पशन है वो 3,00,00,000 के करीबन पहुंच गई है और 1,00,00,000 गठान एक्सपोर्ट में होती है, तो सीजन के अंत में वापिस कपास रुई की शॉर्टेज की परिस्थिति उत्पन्न होगी। परंतु अभी सभी मिल वाले हेड टू माउथ पोजीशन में है, किसी को आगे का रुई लेना नहीं है, सब लोग मंदी देख रहे हैं, तो माल का प्रेशर भी बढ़ेगा क्योंकि इतना सारा क्रॉप है। तो अभी दिसंबर जनवरी यानी कि सीजन के मिडल में जब अराइवल का प्रेशर हो तो मार्केट नीचे जाने को लगता है और मेरे ख्याल से शायद 40,000 तक पहुँच जाएगा या उससे भी थोड़ा नीचे जाएगा, परंतु सीजन के आखिर में वापिस कपास में रुई में तेजी दिखाई देगी, इसी मेरे को संभावना लगती है। आनंद जी, आपने कमोडिटीज़ कंट्रोल .com के साथ बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।